ice cream in a bowl. Ice cream, nice and cold. Ice cream, what a treat. Ice cream, good to eat. Thank you. Hello everyone. My name is Anika Sharma. I read in class prep. These are my favorite ice creams. Topic National Ice Cream Day. Dish or cone that all we need to know. National Ice Cream Day on the 3rd Sunday in July offers up every flavor on the menu to honor the day. The holiday also lands in the middle of the National Ice Cream Month. Thank you. From class 9 of Bararpur Riverside School, Chitranjan. Ice cream is without a doubt the perfect dessert ever designed by man. It's rich and creamy, full of the flavors of summer while being made from the cold like the winter, and is perfect at any time of the year. Ice cream can be used to make sandwiches or entire cakes, or just eaten as a scoop all on its own. National Ice Cream Day celebrates its delicious treat and all the varieties it comes in. Thank you. Namaskar, मैं विप्लव आज आप सभी को आइसक्रीम डे के अवसर पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में एक बहुत ही बढ़िया पेंटर रहता था। उसकी पेंटिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती थी। तो एक दिन पेंटर ने क्या किया, अपनी एक पेंटिंग के नीचे लिख दिया कि इस पेंटिंग में आप लोगों को जहाँ भी कोई समस्या नजर आती है वहाँ निशान लगा दे, और जाकर वह उस पेंटिंग को बाजार में रखाया। शाम को जब पेंटर अपनी पेंटिंग लेने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पूरी पेंटिंग दाग और धब्बों से भर गई।
वो बहुत निराश हुआ, हताश हुआ और वहीं बैठकर रोने लगा। तभी उसका एक दोस्त वहां से गुजर रहा था। उसने उसे पूछा कि बताओ क्या हुआ, तुम ऐसे निराश क्यों बैठे हो, रो क्यों रहे हो? तो उस पेंटर ने जवाब दिया कि भाई देखो, मैंने ऐसा ऐसा करा था और मेरी पूरी पेंटिंग में केवल और केवल दाग और धब्बे ही है। तो उसके दोस्त ने उसे एक सुझाव दिया कि तुम एक काम करो, कल एक और पेंटिंग बाजार में रखो और उसके नीचे लिख दो कि आपको इसमें जहां भी कोई समस्या नजर आती है उसमें सुधार कर दें। अगले दिन पेंटर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, पर जब शाम को वो अपनी पेंटिंग लेने पहुंचा तो वो देखा कि उसमें एक भी दाग, एक भी धब्बे कुछ नहीं थे। पेंटर उस समय जिंदगी का सिद्धांत समझ गया। उसे समझ में आ गया कि दिस इज लाइफ। लोगों की कमियां निकालना, उनकी बुराई करना, उनकी निंदा करना तो बहुत आसान है, लेकिन उन कमियों को सही करना सबसे मुश्किल काम है जो हम लोग नहीं कर पाते। देखिए, जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। तो क्यों ना हम जिंदगी को टेस्ट करना सीख ले। लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर क्यों उनकी बातें सुनकर हम छोड़ दें मेहनत करना। हमें अपने मेहनत पर, हमें अपने सपने पर मेहनत करनी चाहिए। हमें निरंतर प्रयास के साथ अपने सपने को फतेह करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को आइसक्रीम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी आइसक्रीम खाइए और अपने आसपास के वातावरण को आइसक्रीम की तरह मिठास से भर दीजिए। धन्यवाद।